사랑하는 것도 여러분 것도 없을까요? 만지고자 마이네 어 비디오 내 비디오 हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और मेरा नाम है मनेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं अपने चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक एक्टिविटी करके दिखाने वाला हूं, एक ऐसी एक्टिविटी जो आपकी सेहत को और ज्यादा सुधारने में आपकी मदद करेगी। और इस एक्टिविटी के माध्यम से मैं आपके अंदर जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है या हो रही है और बहुत सारे लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे एक एक्टिविटी के द्वारा। और आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि हमारे वेस्टीज के अंदर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी उस प्रॉब्लम को या उस बीमारी को दूर करने में आपकी मदद करेगा। और वो किस तरीके से हमें प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है और कैसे यूज करना है उसके बारे में आज हम पूरी तरीके से इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को और बेल आइकन दबाइए नई और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों इस एक्टिविटी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो एक बीमारी जो जन्म लेती है या जो बहुत ही ज्यादा लोग परेशान है उससे हम किस तरीके से बच सकते हैं। वेस्टीज के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट आता है जिसको अगर हम अपने डेली रूटीन में अगर इस्तेमाल करते हैं, मॉर्निंग में सुबह सुबह इस्तेमाल करते हैं, तो आप एक बहुत ही भयंकर बीमारी से बच सकते हैं। लगती तो वो छोटी सी बीमारी है लेकिन वो हमारी कई बीमारियों को जन्म भी देती है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ गैस की प्रॉब्लम के बारे में। और आज मैं एक प्रोडक्ट बाय एक्टिविटी करके आपको ये दिखाने वाला हूँ कि वो किस तरीके से हम यूज करें जिससे कि हमें गैस की प्रॉब्लम में वो हमें फायदा पहुंचाए। बेसिकली 8 दिसंबर को मैंने एक वीडियो डाली हुई है अपनी जिसमें गैस के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करने हैं। लेकिन आपको मैं एक एक्टिविटी करके दिखाने वाला हूं कि एक प्रोडक्ट और भी है जो आपको गैस की प्रॉब्लम से पूरी तरीके से छुटकारा दिलाने में आपकी मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कौन सा प्रोडक्ट है। ऐसा प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये है जीटा चाय। आपने चाय तो बहुत सारी पी होंगी, आप अपने घर के अंदर भी इस्तेमाल करते हो, बहुत सारी चाय इस्तेमाल करते हो, लेकिन इस चाय के अंदर क्या है, इस चाय के अंदर ये जो चाय है ये पूरी तरीके से नेचुरल है और ये मम्मी आ रही विदाउट निकोटीन और इसके अंदर कोई भी कैफीन इसके अंदर मिक्स नहीं है। ये जो चाय है इसके अंदर आपको मिलेंगे एंटीऑक्सीडेंट जो 4 गिलास ऑरेंज जूस के बराबर आपको अंदर से ताकत देने का काम करते हैं। अगर आप ऑरेंज जूस नहीं पीते हैं तो कोई बात नहीं है, आप इसका सुबह सुबह एक कप या एक गिलास भर के चाय जरूर पीजिए, आपको एंटीऑक्सीडेंट बराबर मात्रा में मिलेगी। अभी किस तरीके से आपको पीनी है अगर आपके पेट में गैस बनती है मैं आपको पूरी तरीके से दिखाता हूँ एक्टिविटी करके आपको क्या करना है।
आपके घर में जो चाय आ रही है इस समय वो अब कोई दूसरे ब्रांड की चाय नहीं आएगी। केवल अगर आपको अपनी गैस की प्रॉब्लम दूर करनी है तो आप इस्तेमाल करेंगे केवल ये जीटा टी, इसके अंदर आपको मिलेंगे एंटी। इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसके अंदर अगर आप थोड़े से नींबू के दो चार बूंदे भी अगर इसके अंदर डाल लेते हैं तो आपको और ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इसको हम बंद कर देते हैं अभी गैस, और ये चाय आपकी बनके तैयार हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये चाय आपकी बनके तैयार हो चुकी है। केवल अपनी चाय की पत्ती है और ये इसमें केवल थोड़ी सी चीनी पड़ी हुई है। अब क्या करेंगे, आपको सिंपली इसको अपने डेली रूटीन में सुबह सुबह इसी चाय को इस्तेमाल करना है। पीते हैं तो बड़ी अजीब लगती है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जाकर के ये बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट करती है। अगर आप ये ब्लैक टी अगर आप अपने डेली रूटीन के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो आपके पेट में चाहे भारीपन हो या फिर आपके पेट के अंदर कोई गैस की प्रॉब्लम हो या आपका खाना नहीं पचता हो या आपका पेट फूल जाता हो, इस टाइप की जो छोटी मोटी दिक्कतें होती रहती है वो आपकी हमेशा के लिए दूर रहेंगी। लेकिन इस चाय को आपको अपने किचन के अंदर डेली और किचन लाइफ के अंदर अपनी एक हेल्दी किचन बनाने के लिए इस चाय को डेली इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार की जो चाय है, ये वाली जो चाय आप देख रहे हो, ये जो चाय है ये आपकी सेहत के लिए बहुत बढ़िया चाय है। आप इसी चाय, ये मैंने आपको एक चाय बना के दिखाई थी, ये चाय है काली चाय जिसे बोलते हैं, ये पेट के गैस के लिए बहुत ही अच्छी होती है और फायदेमंद होती है। इसे आप अपनी चाय के किचन के अंदर जरूर इस्तेमाल करें।
तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चाय को जरूर इस्तेमाल करेंगे और जो इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट बताए जाते हैं वो आपके पेट के अंदर जो गैस बनती है उसको दूर करने में बहुत ही ज्यादा ये फायदा करती है। तो ये एक्टिविटी मेरी आपको कैसी लगी और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस चाय को अपने किचन के अंदर अपनी फैमिली के अंदर आप जरूर इस्तेमाल करिएगा। तो दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो और इस टाइप की जो वीडियो आपको मिलती रहेंगी इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और जितने भी गैस की प्रॉब्लम आ रहे हैं उनको आप जरूर शेयर करना। तो थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को देखने के लिए। हैव अ नाइस डे, विश यू वेल, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हमारी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।